दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके सर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, और उससे पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप कंप्लीट वॉच करेंगे तभी आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या है और उसे आप कैसे निकालेंगे ये समझ आएगा। और अगर आपको ये समझ आ गया तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको कम्प्लीटली समझ आएगा। तो ये आज का हमारा पहला ही वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी क्लास 11th में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ओके, किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन, किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह पर उपस्थित आवेश, आवेश मतलब जो चार्ज होता है उसकी संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कोई परमाणु या परमाणु के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही उसकी क्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। देखिए एग्जांपल में देखिए, मान लिया सोडियम है, सोडियम के ऊपर होता है प्लस वन, और यदि हम बात करते हैं सीएल, सीएल पर होता है ऋणायन माइनस वन। ठीक है, तो यदि हम बात करें सोडियम, सोडियम के ऊपर चार्ज कैसा है प्लस का है और कितना है वन है। ठीक है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी प्लस वन हो जाएगी, सीएल की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी माइनस वन हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो कैसा है माइनस का है। ओके, तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है प्लस और सीएल की होती है माइनस। ठीक है, तो अब आप इसका एग्जांपल जो है उसे लिखेंगे कैसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एग्जांपल में लिख रहा हूं सोडियम क्लोराइड में सोडियम परमाणु पर एक धनावेश होता है तथा क्लोरीन परमाणु पर एक ऋणावेश होता है। अतः सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन तथा सीएल की ऑक्सीकरण, सीएल की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होगी। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कोई भी जो परमाणु या फिर परमाणु का कौन सा कोई भी समूह जिस पर जो भी आवेश उपस्थित होगा उसी को हम उसको क्या कहते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम में जो सोडियम परमाणु होता है उस पर एक धनावेश होता है, कितना धनावेश होता है वन धनावेश होता है, तथा जो क्लोरीन परमाणु है उसमें उस पर जो है एक ऋणावेश होता है यानी माइनस वन होता है चार्ज। तो इसलिए जो सोडियम है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी प्लस वन हो जाएगी, और जो सीएल परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होगी। ओके, तो ये है ऑक्सीकरण की डेफिनेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अब हम जानेंगे कि आप कैसे ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको ज्ञात करने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो कुछ नियम्स हैं 7-8 जो कि आपको समझने होंगे।
तो देखिए जो सबसे पहला नियम है वो है मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। ओके समझ आया। सबसे पहला जो है नियम क्या है कि मुक्त अवस्था में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो मुक्त अवस्था का मतलब क्या है, जब जो परमाणु है वो किसी दूसरे यौगिक के दूसरे परमाणु के साथ नहीं जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं मुक्त अवस्था। या अगर कोई भी परमाणु सेम अपने ही परमाणु से जुड़ा है, परमाणु के साथ में जुड़ा है, या आप ये कह सकते हैं अपने द्विक या त्रि परमाणु की अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होगी। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल दे करके, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि H2 में जो H है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है तो शून्य होगी। तो H2 में H यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। ओके उसी प्रकार की हम बात करते हैं आगे N2 O2 आदि में इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है क्रम से क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है मुक्त अवस्था में। ठीक है, अगर वो अपने सेम परमाणु के साथ जुड़ा है या फिर परमाणु जो अकेला है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है शून्य होगी। लेकिन यदि जो नाइट्रोजन है किसी दूसरे अलग परमाणु के साथ जुड़ा होता तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य नहीं होगी। लेकिन अब वो क्या है सेम अपने परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है दो जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो किस में, वो अपने द्वि परमाणु अवस्था में, उसी प्रकार से ऑक्सीजन भी अपने द्वि परमाणु अवस्था में है। तो इन सभी की जो ऑक्सीजन संख्या वो भी कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि जो नाइट्रोजन है किसी और के साथ में जुड़े, जैसे मान लिया NH3, अब ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, जो हाइड्रोजन है वो सेम परमाणु नहीं है। ओके, तो अब इसकी जो ऑक्सीजन संख्या है नाइट्रोजन की वो शून्य नहीं होगी। लेकिन यदि जो मुक्त अवस्था में है या फिर सेम अपने परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो शून्य मानी जाएगी। ओके, तो इस बात को आपको याद रखना है, पहला रूल है, सॉरी हाँ पहला रूल है। ओके, तो जो नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है वे क्या होगा, जो N है ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होगी, शून्य होगी। तो ये पहला नियम है। तो दूसरा नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम है हाइड्रोजन की हाइड्राइडों को छोड़कर सभी यौगिकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि हाइड्राइड क्या है, तो मैं इसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूं, जैसे मान लिया NaH CaH2 ये सब क्या होंगे, ये हाइड्राइड होंगे। ओके ठीक है, जब भी जो हाइड्रोजन है किसी धातु के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम मानेंगे हाइड्राइड। तो इन सभी में जो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या वो +1 ना होकर ये कितनी होगी, -1 होगी। लेकिन जितने भी ये यौगिक होगा जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होगा उन सभी में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। लेकिन जैसे हाइड्राइड है NaH है CaH2 है या फिर LiH हो गया या फिर KH भी हो सकता है आगे जा करके। ओके, तो जब भी धातु के साथ में जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे हाइड्राइड। तो इनमें जो ऑक्सीकरण है हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी। लेकिन जितने भी सभी यौगिक है उनमें जो ऑक्सीकरण संख्या है हाइड्रोजन कितनी होगी, +1 होगी। तो याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, ओ यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतर यौगिकों में -2 होती है। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादातर जो यौगिक है
उनमें ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2 होगी। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे परोक्साइड, परोक्साइड तो ऑक्सीजन जो होता है उसकी आक्सीकरण संख्या अधिकतर यौगिकों में -2 होती है, लेकिन जैसे परोक्साइड हो गया, परोक्साइड का मतलब होता है जैसे H2O2, जहां भी ऑक्सीजन से ही कोई दूसरा परमाणु जुड़ेगा ऑक्सीजन का, ओके, जहां भी ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ता है उसे हम परोक्साइड कहते हैं। जब हम H2O2 की संरचना बनाते हैं, संरचना सूत्र, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन परमाणु है दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होगा, तो जहां भी ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होगा उसे हम परोक्साइड कहेंगे, और वहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी -1। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो आगे की चर्चा करते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो नीचे कुछ रह गया है उसको मैं अभी ऊपर लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट ही है। तो H2O2 की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, इसके अलावा F2O में O की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, तथा KO2 में O की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होगी। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब वाच क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जो H2O2 है उसमें O की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, KO2 में O की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, F2O में O की ऑक्सीजन संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है F2O में +2 होगी, KO2 में -1/2 होगी, और जो परोक्साइड है परोक्साइड में -1 होगी। परोक्साइड मैंने आपको बताया, जब आप H2O2 की संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो O है वो किससे जुड़ा है, O से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ऑक्सीजन के बारीक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 8 कंप्लीट करने होते हैं, 6 × 7 और 1 8, ठीक है। तो आपने यहाँ भी देखा है, यहाँ भी ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, O से जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं परोक्साइड बॉन्ड, और जब परोक्साइड बॉन्ड होता है वहाँ पर O की ऑक्सीजन संख्या -1 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो ये रूल नंबर 3 हो गया है, नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अभिक्षार्य धातु, क्षार्य धातु जैसे Li, Na, K, Rb, Cs, Fr आदि, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी क्षार्य धातु हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होंगे वो Li, Na और K ही यूज होंगे। यही जो है जब आप ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे यूज करने में आएंगे Li, Na, K। इसके अलावा वैसे सभी की जो ऑक्सीजन संख्या है वो कितनी होगी, वो +1 होगी। ऑक्सीकरण संख्या +1, तो आपको ये याद रखना है, कितनी होती है सभी क्षारीय धातु जो होती है, इसे धातुओं कर लीजिए, सभी क्षारीय धातुओं, ठीक है। तो ये सारे बीज क्या होंगे, सारे धातु क्षारीय धातु होंगी, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr की ऑक्सीजन संख्या +1 होगी। और रूल नंबर 5 है, सभी क्षारीय मर्दा धातु धातुओं, क्षारीय मर्द धातुओं जैसे बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये सभी क्षारीय मर्द धातु हैं, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो होगी +2। ओके, तो पहले आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम बाद में चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइज, जो नेक्स्ट नंबर है वो है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर स्थित आवेश के बराबर होती है।
अब एग्जांपल की जैसे हम बात करें, जैसे सीएल ऋणायन है, सोडियम धनायन है, एएल प्लस थ्री है, एमजी प्लस टू हो गया। तो यदि हम इन सब की ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं तो इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है, माइनस है, माइनस वन। इस पर कितना है, प्लस वन। इस पर कितना है, प्लस थ्री। इस पर कितना है, प्लस टू। तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो क्या होगी, तो ये सभी क्या है, आयन है, आपको पता है, ठीक है, उस पर स्थित आवेश के बराबर। तो इस पर कितना आवेश है, माइनस एक है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस वन। सोडियम की प्लस वन हो जाएगी, एल की इसमें कितनी हो जाएगी, प्लस थ्री। एम जी की कितनी हो जाएगी, प्लस टू। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ आदि की ऑक्सीकरण संख्या क्रमश माइनस वन, प्लस थ्री, प्लस टू, सॉरी प्लस वन, क्योंकि सोडियम है ना, तो उसके बाद में है एयर, तो हो जाएगी प्लस थ्री, और फिर सबसे लास्ट में है तथा एम जी। एम जी कितनी जाएगी, प्लस टू होगी। तो ये छठा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सातवां, सभी हैलोजन हैलोजन होते हैं एफ सी एल बी आर आई, ये सभी क्या है, हैलोजन कहलाते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो सभी में जो है क्या होती है, इनकी माइनस वन होती है। तो मैं लिख रहा हूं सभी हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन होती है, याद रखना है। जिसके साथ में भी जुड़ करके आएंगे किसी यौगिक के साथ में, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, माइनस वन। नेक्स्ट पॉइंट है आठवां, जैसे जो ऑक्सीकरण संख्या आपने देखा है वो क्या होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और इसके अलावा भिन्नात्मक भी होती है। आपने KO2 में देखा था माइनस एक बटे दो आई थी, तो मैं इस पॉइंट को भी लिख रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। तो ये कुछ नियम थे, यदि आपने इनको समझ लिया है, इनको याद कर लिया है, तो आप इनसे जो ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे डिस्कस करेंगे आप ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालने में कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो नियम मैंने आपको सभी बता दिए हैं, तो ये आठ नियम है, सिर्फ आपको इनको याद करना है और कॉपी में नोट कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैंने कुछ नियम लिखवाए थे अब उन्हीं के आधार पर हम इन सभी जो जितने भी यौगिक हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास में कि H2SO4, KMnO4, K2Cr2O7, Cr2O7 के ऊपर चार्ज है माइनस टू, में रेखांकित आपको याद रखना है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी रेखांकित है, जैसे H2SO4 में S है, KMnO4 में Mn, K2Cr2O7 में Cr है ना, Cr2, और Cr2O7 माइनस टू में Cr2 ही है, तो आपको ऑक्सीजन संख्या किसके फाइंड करनी है, जो रेखांकित है। तो हम इन चारों की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे बारी बारी से, आप इसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल लें H2SO4 में, ओके। तो आपको किसकी निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, इसकी निकालनी है। तो देखिए जब भी आप किसी की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो इसके मल्टीप्लाई में हो, ठीक है ना, जो एच के नीचे लिखा हो, ठीक है, आप उसको क्या कर लेंगे, एच की मल्टीप्लाई में ले आएंगे, जैसे ये, ओके। तो हमने क्या किया, जो एच के नीचे जितनी भी संख्या थी हमने उसको क्या कर लिया, एच की मल्टीप्लाई में ले आए, ओके। इसके बाद आपको एस की निकालनी है, तो हमने लिख दिया एस को ऐसे ही, चाहे तो आप एस को एक्स भी मान सकते हैं, चाहे आप उसको जो है ऐसे कैसे रखते हैं, जिस परमाणु की आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जो भी आपको आसान लगे आप ऐसा कर लीजिए, चाहे आप यहाँ एस की जगह एक्स भी मान सकते हैं, फोर ऑक्सीजन की हम लिख देंगे ऐसे, ओ, ठीक है। तो ये सब किसको बराबर रखना है, आपको जीरो के यानी शून्य के बराबर में रखना है। तो टू, तो एच की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, हमने पहले ही जाना था कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, प्लस वन होती है, ठीक है। तो सल्फर की तो आपको फाइंड करनी है ही, ओ की जो होती है वो माइनस टू होती है, हमने जाना था कि पिछले जो आपने जो नियम पढ़े थे उसमें
कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की सभी यौगिकों में उसकी जो ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, -2 होती है। तो हमने लिख दिया है 0, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर के में फाइंड करने, इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए, जब प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -8 = 0। तो देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 8 किसका, माइनस का, तो 8 में से आप 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा S-6 = 0 का रखना है आपको, बराबर किसके रखना, 0 का, ठीक है। तो 7 में कितना हो गया, सल्फर -6 = 0। तो जब आप क्या करेंगे, इस 6 को बराबर के दूसरी साइड में लेकर के आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जो सल्फर है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6, ठीक है। तो H2SO4 में जो सल्फर होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, प्लस के 6 होगी। तो हमने पहला जो है उसको सोल्व कर लिया है, और दूसरा देखते हैं कि MnO4 Mn की फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले तरीका वही रहेगा कि हमने इसको ऐसे कर लिया, Mn को हमने निकालना है तो ऐसे रख लेंगे 4, O को ब्रैकेट में रख लेंगे, सब 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो K की +1 होती है, हमने जाना था कि जो क्षारीय धातु होती है उनकी सभी की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +1 होती है। Li, Na, Ke, Rb, CS, Fr सभी क्षारीय धातु थी, तो K की कितनी हो गई, +1 हो गई। Mn की हमें फाइंड करनी है तो उसको हम ऐसे रख लेंगे, O की होती है -2, ओके। तो +1 तो ऐसे ही रहेगा, Mn हमें निकालना है ही, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8 = 0। 8 में से 1 गया तो ये हो गया Mn-7 = 0, और Mn कितना हो जाएगा, +7। और एक बात आपको याद रखना है, यदि किसी की ऑक्सीजन संख्या प्लस में आ रही है तो आपको प्लस का साइन जरूर लगाना है, ये मत सोचना कि प्लस लगाओ ना लगाओ बात है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथ की बातें, मैथ में ही जो है उसको रूल फॉलो रखें, और जो केमिस्ट्री उसका रूल एक अलग होता है। तो ये याद रखना आपको, Mn की ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, +7, तो आपको निकालना आ गया होगा, ओके। अब हम जानते हैं K2Cr2O7 में किसकी निकालनी है आपको, Cr की। पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम निकालते हैं इनकी। अब हम जानते हैं K2Cr2O7 है ना, तो इसमें हमें किसकी निकालनी है, Cr की निकालनी है। तो तरीका वही रहेगा, ये कहाँ है इसके द्वि परमाणु अवस्था में K की, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ले आएंगे, 2K हो जाएगा। उसी प्रकार से Cr की हमें निकालनी है, ठीक है, किसकी निकालनी है, Cr की, तो 2 हो गया, और Cr को आप एक काम कीजिए, ऐसे ही रख लीजिए, चाहे तो आप ब्रैकेट में रख लीजिए, आपकी इच्छा है ले लीजिए, नहीं तो फिर आप कहेंगे प्रॉब्लम हो रही सर। O को ब्रैकेट में रख लेते हैं, बराबर किसको हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो 2K, K की कितनी होती है, +1 होती है, +2। Cr की तो आपको फाइंड करनी है, तो उसकी मल्टीप्लाई आप ऐसे रख लीजिए, O की होती है -2 = 0 होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में 1 में सॉरी, तो कितना हो गया 2, तो ये कितना होगा, +2 Cr। 7 की मल्टीप्लाई 2 में तो कितना हो गया, -14 = किसके हो गया, 0 के। अब 14 में से 2 गए तो कितना बचा, 2 Cr - 12 = 0। तो Cr या 2 Cr कर लो पहले आप, तो 2 Cr बराबर हो जाएगा +12। जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो प्लस को हो जाएगा, तो Cr बराबर हो जाएगा 12/2। तो 2 से 6 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6, ठीक है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +6, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब Cr2O7 - 2 में किसके में फाइंड करनी है, Cr की, ओके। तो इसमें जो चार्ज है इसको आप क्या करेंगे, देखिए यदि जो यौगिक है उस पर चाहे तो प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, आपको करना क्या है, आपको जो चार्ज है वो उसको जो है जहां पर आप 0 रखते थे ना दूसरी साइड में, आपको उस चार्ज को वहां पर रख लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, Cr2O7 पर चार्ज है -2, तो Cr की हमें फाइंड करनी है। तो तरीका वही रहेगा, 2 इधर आ गया, Cr7 ब्रैकेट में O हो गया। अब की बात बराबर की तरफ हम क्या लिखेंगे, जो चार्ज है उस पर उसको रख लेंगे -2, यदि प्लस का होता तो प्लस के चार्ज को इधर रख लेते हैं, ओके। तो O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, तो हमें रख दिए। तो 2 की Cr में मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 2 Cr ही रहना है,
और साथ की दो में करोगे तो माइनस 14 हो जाएगा, बराबर माइनस 2 बराबर के इधर है, ठीक है। तो 14 में सॉरी तो 2 CR जब आप इसको बराबर के इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 14, ठीक है। तो माइनस का था इधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। अब 14 में से आपको 2 क्या करना है, माइनस करना है, तो 2 CR बराबर क्या हो जाएगा 12, और CR जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 12/2, तो आप काटोगे तो कितना होगा 6। तो CR की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, प्लस 6। तो चार्ज वाले भी आपको जो ऑक्सीजन संख्या निकालनी आ गई होगी, आप कैसे निकालोगे, ओके। तो अब आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन ऑक्सीजन संख्या के, आप कैसे निकालोगे ऑक्सीजन संख्या और ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, इसके बारे में आज हमने जो है डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, उन्हें आप कैसे निकालते कैसे छांटते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, उसके बाद में ऑक्सीकारक और अपचायक, उसके बाद में हम करेंगे क्या जो अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में जो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीजन संख्या विधि द्वारा जो हम समीकरण संतुलित करते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल हमारा जो सबसे पहली जो सीढ़ी थी वो यही थी कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या, उसे निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आप जो है वीडियो मांगना चाहते हैं, आप क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको ऐसी ही कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए।